होमगार्ड ड्यूटी घोटाले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और ये सबसे बड़ा खुलासा किया है एबीपी गंगा ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एबीपी गंगा ने खुलासा किया है और एबीपी गंगा के हाथ दस्तावेज लगे। ये दस्तावेज बड़े अफसरों और तत्कालीन मंत्री ने, दरअसल इसमें सुस्ती दिखाई गई है। ये इन रिपोर्टों में खुलासा होता है कि जो सुस्ती दिखाई गई थी उस सुस्ती की वजह से वो फाइलें जल गई जो नहीं जलनी चाहिए थी। अगर वक्त पर कार्रवाई की गई होती तो वो फाइलें नहीं जलती। पूर्व एडीजी जसबीर सिंह ने खुलासा किया था, 6 जिलों के मास्टर रोल को इकट्ठा किया गया था। हालांकि अब ये निर्देश दिया गया है कि अब थानों में ही मास्टर रोल रहेंगे, लेकिन ये सभी मास्टर रोल एक जगह इकट्ठा करके रखे गए थे। और सैलरी घोटाले का आपको बता दें कि खुलासा चूंकि हुआ था और ऐसे में एबीपी गंगा ने अब खुलासा किया है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज एबीपी गंगा के हाथ लगे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को एक खत लिखा गया था और जसबीर सिंह के खुलासे पर संज्ञान नहीं लिया गया, यानी कि उन्होंने पहले आगाह किया था लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया और हुआ यूं कि फिर दस्तावेज जला दिए गए। बड़ा घोटाले को अंजाम दिया गया फर्जी तरीके से, हाजिर ना होने के बाद भी हाजिरी दिखाकर पैसे डाले गए और उस पैसे को अधिकारियों ने लिया और मंदरवाट हुई और गौतम नगर पुलिस ने उसके बाद अब आपको बता दें कि कार्रवाई की है। दस्तावेज जलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। एसएसपी के निर्देश पर 5 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको ये दे रहे हैं और एबीपी गंगा के पास कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं और होमगार्ड ड्यूटी घोटाले से जुड़े हुए ये दस्तावेज जिसमें बड़े अफसरों और तत्कालीन मंत्री ने सुस्ती दिखाई है ये बात सिद्ध होती है। वक्त पर कार्रवाई नहीं की गई, आगाह करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व एडीजी जसबीर सिंह ने खुलासा किया था, आगाह किया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब जरा वो दस्तावेज भी देख लीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर हमने रखा है, ये एबीपी गंगा के पास पहुंचा और हमने आपके सामने रख दिया है। तो ये पूर्व एडीजी जसबीर सिंह ने खुलासा किया है कि 6 जिलों के मास्टर रोल को इकट्ठा किया गया था और उन्होंने खुलासा किया था कि बड़ा घोटाला इससे हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार में हुए होमगार्ड वेतन घोटाले में महकमे में पूर्व एडीजी जसबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्होंने इस पूरे घोटाले का खुलासा तो अक्टूबर 2017 में ही कर दिया था लेकिन सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की और इसके लिए जो चिट्ठियां लिखी गईं उसमें उन्होंने तत्कालीन डीजी होमगार्ड सूर्य कुमार शुक्ला पर भी तमाम आरोप लगाए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीजी होमगार्ड रहे सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, उन्हीं से पूछेंगे। तो एडीजी होमगार्ड रहे जसबीर सिंह, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके द्वारा 5 चिट्ठियां लिखी गईं, एफआईआर लिखने के लिए भी लिखा गया और उनके द्वारा करीब 25 से 35 जिलों में जा करके मास्टर रोल निकाले गए जिसमें ये फर्जीवाड़ा निकला, इसकी शिकायत भी आप तक पहुँची थी और उन्होंने इस तरीके ये कितनी क्या है मामला। ये जैसे जसबीर सिंह ने ये बात उठाई थी और उसी तरह ये मामला समय समय पर अलग अलग जिलों से उठता रहता था और ये 15-20 सालों से ये बातें चलती रहती थी। होता क्या है कि जैसे किसी आदमी की सबकी ड्यूटी नहीं लगती थी तो कोई अधिकारी जो ज़्यादातर सूबेदार लेवल के या कभी कभी जिला कमांडेंट लेवल के होते थे कि हमको 200 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो तो हम तुम्हारी ड्यूटी लगा दें, और इस तरह से कई लोगों की अगर उन्होंने ड्यूटी लगाई तो 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपया कमा लिया। इसी तरह एक दूसरा तरीका अपनाते थे कि वो कहीं बाहर चला गया है या बीमार है, उसको ड्यूटी पर दिखा दो और ड्यूटी पर दिखा के उसका पैसा उसी के खाते में चूंकि जाने का नियम है तो उससे मिली भगत कर लो कि कुछ पैसा वो होमगार्ड ले ले और कुछ पैसा वो जो ड्यूटी प्रमाणित करने वाला अधिकारी है वो ले ले, यानी सूबेदार होते हैं या कंपनी कमांडर होते हैं ये सब। आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि ऐसा नहीं है कि विभाग में, होमगार्ड विभाग में कोई दंड की ये पहली बात हुई है। जैसे हमारे कार्यकाल में लगभग 300 होमगार्ड बर्खास्त किए गए और कौन जो गलत पाए गए और जो सूबेदार और कंपनी कमांडर और वो भी कई बर्खास्त किए गए। इस बार फर्क ये रहा कि जो मामला उद्घाटित हुआ है उसमें कुछ जिला कमांडेंट लोग उसमें जिम्मेदार पाए गए कि इन्होंने किया है। होता क्या है, हाँ मेरा फिर सीधे से कि जो जसबीर सिंह ने जो मतलब लिखा कि 5 चिट्ठियां लिखी गई उस पर आपने क्या कार्रवाई। वो चिट्ठियां जैसे हमारे पास आई
तो जो मंडलीय कमांडेंट, मैं तो मान ले प्रदेश स्तर पर था, तो जो उस मंडल का अधिकारी है उसके पास जांच के लिए गया, उसने फिर अगर जिला कमांडेंट की शिकायत है तो उसको उससे ऊपर का अधिकारी जांच करता है, अगर जिला कमांडेंट से नीचे का अधिकारी है तो जिला कमांडेंट के पास सामान्यतः जाता है। तो जांच होती है, उनमें कार्यवाहियां होती रहीं समय समय पर, और कुछ ऐसे जनरल टाइप की बातें कही गई थी जैसे प्रदेश सरकार भगवाकरण कर रही है। तो जब सबूत ना जाता है जांच में तो फिर मुकदमा लिख जाता है, और जब तक सबूत नहीं आता, जैसे हम खुद ही आपसे कह रहे हैं जनरल बात कि हाँ हाँ भ्रष्टाचार होता है वैसे करते हैं, लेकिन उसके आधार पर मुकदमा नहीं कार्य किया जा सकता। तो इस कारण जांच के बाद जितने मामले हुए, बता दे रहा हूँ बहुत से मामलों में जो भी हमारे संज्ञान में आते थे तो उन पर हम मंडल के स्तर के अधिकारी, बल्कि मैंने एक सिस्टम निकाला था कि कई बार जिले के अधिकारी सही जांच नहीं करते तो दूसरे जिले से जांच कराई जाए, ये स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने कर दिया था। जो भी जांचे उन्होंने, जो जी जांचे उन्होंने दी वो संबंधित को मार्क कर दी गई मंडल के अधिकारियों को, और उस पर उन्होंने अग्रिम कार्रवाई की, सिंपल। बहरहाल, ये हमारे साथ पूर्व आईपीएस और डीजी होमगार्ड रहे सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, जिन्होंने अपनी तमाम दलीलें दी हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके द्वारा जो जसवीर सिंह के द्वारा जो शिकायतें की गई उस पर उन्होंने कार्रवाई भी कराई और जांच के आदेश भी दिए। ये अलग बात है कि आज करीब 2 साल बाद जब होमगार्ड मामले में वेतन घोटाले का खुलासा हुआ तो इसकी जांच की आंच अब स्थानीय प्लाटून कमांडर से लेकर के जिला कमांडेंट तक पहुंच रही है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। और अब हमारे साथ पूर्व एडीजी होमगार्ड जसवीर सिंह जी जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये शिकायतें दर्ज करवाई थी और ये खुलासा अब एबीपी गंगा भी कर रहा है। जसवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर, और मैं आपसे अब जानना चाहूंगा कि कब आपको इस घोटाले के बारे में पता चला और कब आपने अधिकारियों को इस संबंध में खत लिखे, अधिकारियों को बताया? हाँ, ये जो घोटाले की बात कर रहे हैं, इनकी सूचना, इसका श्रेय होमगार्ड के जो कर्मी हैं, नीचे वाले कर्मी जो होमगार्ड हैं, ये उनको जाता है, क्योंकि उनके द्वारा ये सूचनाएं बार बार दी जा रही थी कि इस प्रकार से हम लोगों से पहले ही 2000 से लेके 3000 रुपए हर डिस्ट्रिक्ट में ले लिया जाता है और फर्जी मस्टर रोल भी बन रहे हैं लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों में। तो सबसे पहले ये सूचना होमगार्ड कर्मियों द्वारा ही दी गई थी, जिस पर बार बार उनके द्वारा मुलाकातें की गई। फिर मैं जब डिस्ट्रिक्ट में गया, वहां निरीक्षण किए गए, तो इन चीजों से पता चला कि ये पुख्ता है और इनके सबूत भी बहुत सारे मिले। लेकिन इसमें बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जो पहली बार इसका जो जानकारी होमगार्ड लोगों ने दी, उसके बाद एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो होमगार्ड लगे थे, वहां के अभिलेख जो मैंने लिए, तो उस पर बहुत ज्यादा विरोध हुआ उसका। उस पर कहा गया कि माननीय कल्याण सिंह जी से बड़े नाराज है और आप वहां से क्यों उठा के ले आए रजिस्टर, और ये सब चीजें बताई गई। जबकि हमने कहा ये हमारा एक सामान्य दायित्व है और हमने मात्र अपनी एक सामान्य ड्यूटी का निर्वहन किया है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। मुझे सूचनाएं होमगार्ड लोगों ने दी हैं और जब कर्मी परेशान है, बार बार कर्मी मुझे ये बात बता रहे थे, सूचनाएं दे रहे थे, अभी सूचनाएं दे रहे थे, और कई टीक उन्होंने पुख्ता सबूत भी मुझे दिए, तो उसी क्रम में ये पूरी श्रृंखला खुली है। जसवीर जी, मैं आपसे सिलसिले बार जानना चाहूंगा क्या क्या सबूत आपको मिले, आप कौन कौन से अधिकारी के, आप नाम लेकर बता सकते हैं कि आप इन अधिकारी के पास गए या इन नेता के पास गए और उन्होंने कार्रवाई क्या की थी उस वक्त जब आपने उनको बताया कि इस तरह से ये घोटाला किया जा रहा है सिस्टम के अंदर? नहीं, इसमें मूल बात नहीं आप समझ रहे, मूल बात ये है कि जब ये सारी चीजों के खुलाते हुए कुछ सबूत मेरे पास मिले, जिसमें मैंने 5 पत्र थे जिसके साथ पूरे साक्ष्य भी संलग्न करके दिए थे, और मैंने कहा था कि प्राथमिकियां तात्कालिक रूप से दर्ज कर दी जाएं, वो प्राथमिकियां दर्ज नहीं की गई। उसमें मंत्री जो थे वहां, उस समय डीजी थे सूर्य कुमार शुक्ला जी, जो अब अलग अलग चैनलों पे अलग अलग बातें कर रहे हैं, इनके द्वारा प्रतिरोध किया गया, ये सीधे रूप से उसमें शामिल थे। मैंने शासन को मुझे बताना पड़ा, प्रमुख सचिव जो उस समय थे होमगार्ड, उनके संज्ञान में ये सारी चीजें लानी पड़ी और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि इस पर कार्रवाइयां होंगी। और मैंने यहां तक कि थानों को भी भेजा, वो एसएसपी साहबानों को उसकी कॉपी भेजी ताकि प्राथमिकियां दर्ज हो सके, लेकिन वो प्राथमिकियां दर्ज नहीं हुई थी, उसके साथ सबूत थे। लेकिन मुख्य बात जो मस्टर रोल की बात है, मस्टर रोल के बारे में जो सूचनाएं मिली थी वो मैंने अपने स्तर से लगभग, मुझे बताया गया कि 30-40 जनपदों में ऐसा है, तो 5-6 जनपदों की सूचना मैंने स्वयं निरीक्षणों के दौरान इकट्ठी कर ली थी। उसी बीच में वहां से
जो है मेरा स्थानांतरण कर दिया गया इसी बीच में, जबकि सब लोग पकड़े जा रहे थे, बीच में ये सूचनाएं मिल रही थी, काफी सूचनाएं जो आ गई थी उसकी सूचना मैंने उच्च अधिकारियों को दी थी, शासन को दी थी। तो ये प्रक्रिया ये समझने लायक है कि ये आनंद फानंद में उस समय, जबकि उस समय ये कार्रवाई करवानी चाहिए थी, लेकिन उसमें स्थानांतरण कर दिया गया, ये बड़ा अजीब मुझे लगता है अभी भी, कि कहीं ना कहीं शासन स्तर से कौन सा ऐसा राजनीतिक दबाव था कि हर अधिकारी और राजनेताओं के संज्ञान में होते हुए भी कार्यवाही नहीं की गई, और बल्कि मेरा ही वहां से एक तरह से बड़ा कि मामला उनके संज्ञान में था नहीं था तो आपने पहुंचाया, लेकिन उल्टा आप पर ही कार्रवाई होगी। जसबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जसबीर सिंह पूर्व एडीजी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने ये खुलासा किया है कि दरअसल ये घोटाला आज का नहीं है, पहले ये घोटाला जो है किया जा रहा था और उस वक्त भी इस घोटाले से जुड़ी हुई सारी जानकारियां, ये घोटाला हो रहा है तो उससे जुड़े तथ्य अधिकारियों के सामने रखे गए, लेकिन अधिकारियों ने उस वक्त इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा उन पर कार्रवाई कर दी गई क्योंकि वो इस घोटाले को उजागर कर रहे थे। तो इसे ये भी नजर आता है कि निचले स्तर के कर्मचारियों का से लेकर ऊपर तक के पूरा का पूरा खेल चल रहा था। और संतोष इसी खबर पर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, जसबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे और वो ये कह रहे हैं कि उनके जब वो पदस्थ थे तो उस वक्त उन्होंने घोटाले को उजागर किया, उस वक्त कई बार उन्होंने शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल मैं अभी की अगर बात करूं तो अब तो चूंकि स्पष्ट हो चुका है सब चीजें, तो अभी क्या कुछ एक्शन इसमें लिया गया है? देखिए, ये मामला जिस तरीके से एडीजी जसबीर सिंह ने अक्टूबर 2017 में उठाया और उसके बाद 5 पत्र लिखे, इतना ही नहीं तमाम जिलों को, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, ये 3 जिले ऐसे थे जहां के एसएसपीज को भी लिखा कि ये एफआईआर दर्ज हो इनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि जसबीर सिंह ने जो पत्र भेजे शासन को उसमें साफ तौर पर इस बात के इशारे किए कि जो दस्तावेजी सबूत हैं इस पूरे फर्जीवाड़े के, इस घोटाले के, उनको नष्ट किया जा सकता है। और नोएडा में जो अभी हाल ही में जब घोटाला उजागर हुआ और उन लोगों ने जिला कमांडेंट के दफ्तर में जाकर के मस्टर रोल को जला दिया गया, ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जसबीर सिंह ने जो मुद्दा उठाया था कि दस्तावेजों को ये लोग जला सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं, और वही इन लोगों ने किया। यानी कि जसबीर सिंह के द्वारा जो सवाल खड़े किए गए थे उस पर कोई जांच नहीं की गई। और ये एक घोटाले की बात नहीं थी, जसबीर सिंह के द्वारा जो चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया, इस पत्र की कॉपी मेरे पास है, ये करीब 4 पन्ने का ये पत्र चीफ सेक्रेटरी के द्वारा भेजा गया, चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया उस समय पे जो चीफ सेक्रेटरी थे, इसमें करीब 17 पॉइंट्स ऐसे हैं जो जसबीर सिंह ने लिखे। और वेतन घोटाले के अलावा महकमे में किस तरीके से वसूली हो रही है, भ्रष्टाचार है, किस तरीके से शोषण हो रहा है, इसका पूरा इन्होंने शिकायत की थी। और इसी तरीके से 5 चिट्ठियां जसबीर सिंह ने डीजी होमगार्ड को, चीफ सेक्रेटरी को लिखी। और जिस तरीके से अभी हमारे साथ जब बात कर रहे थे जसबीर सिंह, तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि आखिर उनका तबादला क्यों कर दिया गया। और जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति, मुझे लगता है कि जसबीर सिंह एडीजी होमगार्ड के पद पर मुश्किल से 2 से 3 महीने ही रहे, और चूंकि एडीजी होमगार्ड रहते हुए जसबीर सिंह ने खुद लखनऊ, अलीगढ़ और कानपुर जाकर के जांच की थी, इस पूरे मामले की जो जांच की शुरुआत हुई वो कानपुर से हुई। और सबसे बड़ी बात कि कानपुर में बाकायदा जब ये जसबीर सिंह गए थे उस समय मीडिया में सुर्खियां भी आई कि 12 घंटे तक ये जिला कमांडेंट दफ्तर में बैठे रहे, कोई पहुंचा ही नहीं, जिला कमांडेंट वाले भाग गए थे वहां से, ये मास्टर रोल मांगते रहे, मास्टर रोल नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर अभी जसबीर सिंह जो कह रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के घर पर जो होमगार्ड लगाए गए वो 25 से 30 होमगार्ड लगाए गए थे, कागज में था मास्टर रोल, उनके नाम पर 25 से 30 होमगार्ड की तनख्वाह निकाली जा रही थी। और जब वहां पर इन्होंने खुद फिजिकल वेरिफिकेशन किया, ये खुद वहां पर पहुंचे, तो वहां पर 5 से 6 होमगार्ड थे, यानी कि 20 होमगार्ड एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर जो तैनात किए गए उस पर फर्जीवाड़ा हो रहा था। इस बात की खुद इन्होंने, अभी जसबीर सिंह ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि खुद उन्होंने पकड़ा था, मास्टर रोल नहीं मिला कि वहां पर जो ड्यूटी दी जा रही है कौन लोग हैं, और फिजिकल वेरिफिकेशन में नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं ये बड़ा घोटाला है। हालांकि इस पूरे मामले में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास इस बात की शिकायत पहुंची, और इस पूरे मामले में पूरे प्रदेश में जांच हो रही है, और जांच हर प्रदेश में 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी जा रही है कि जिला कमांडेंट
के द्वारा जो होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाई जा रही है उसके मस्टर रोल की सत्यापित प्रति मांगी जा रही है, यानी कि अब पूरे प्रदेश में जांच हो रही है। लेकिन सवाल इस बात का है, सवाल ये उठेगा कि आप ढाई साल पहले पूरे घोटाले कर रहे हैं, लेकिन तब आपको जो रिपोर्ट दे दी गई थी, आपको पूरे सबूतों के साथ में आपके सामने रखा गया था कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की। संतोष, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी ने और डीजी होमगार्ड ने कार्रवाई क्यों नहीं की, उन पर भी सवाल उठेगा क्योंकि उनके पास ये खत पहुंचे थे। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।